लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर दिल्ली की गद्दी संभालने जा रही है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट में या उससे पहले सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं उसके बारे में विस्तार से। पहला, किसानों को पेंशन। चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया था। इस योजना का पूर्ण बजट में ऐलान होने की संभावना है, जबकि पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा। दूसरा, सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना। इस साल अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था। उसके बाद संकल्प पत्र में बीजेपी ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वादा किया कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को ये मदद दी जाएगी। मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट से इस पर फैसला ले सकती है। तीसरा, छोटे दुकानदारों को पेंशन। इस बात की संभावना है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी। आपको बता दें कि संकल्प पत्र में मोदी सरकार ने इसका ऐलान भी किया था। चौथा, GST के मोर्चे पर। इस बात की संभावना है कि मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट से पहले GST को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जाए। दरअसल बीते कुछ समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि GST स्लैब में बदलाव हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ महीनों पहले एक ब्लॉग लिखकर इसके संकेत भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि देश में GST के 0, 5 और स्टैंडर्ड रेट टैक्स स्लैब हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीते दिसंबर महीने में GST के 18 महीने शीर्षक वाले ब्लॉग में जेटली ने लिखा था, भविष्य के रोड मैप के तौर पर 12% और 18% की 2 स्टैंडर्ड रेट की जगह 1 सिंगल स्टैंडर्ड रेट को लागू करने की दिशा में काम किया जा सकता है। नया रेट दोनों यानी 12% और 18% के बीच होगा। पाँचवा, सबकी कर्ज माफ़ी योजना। आने वाले दिनों में मोदी सरकार यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम यानी कि सबकी कर्ज माफ़ी योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। इस योजना का मकसद छोटे किसान, कारीगर और कारोबियों को और दूसरे भी सेक्टर के कम आय वाले लोगों को कर्ज माफ़ी का फायदा पहुंचाना होगा। इस कर्ज माफ़ी योजना का लाभार्थी तय करने के लिए एक खास आय और एसेट की सीमा तय की जाएगी। इसके लिए सालाना 60,000 रुपये की आय, 35,000 रुपये या उससे कम के बकाया कर्ज और 20,000 रुपये या उससे कम के एसेट को आधार बनाया जाएगा। अब तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में मोदी के इन 5 बड़े ऐलानों को मोदी सरकार कितना पूरा कर पाती है और कितना नहीं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।